कौन करता है भाईचारा की बात? किनसे भाईचारा? जो अपने भाई के भाई नहीं हुए, जो अपने चचा के भाई बेटे नहीं हुए, जो अपनी बहन के भाई नहीं हुए, हमारे भाई होंगे। कौन किसका भाई नहीं बना, बहन का कौन भाई नहीं बना, और चाचा का कौन भतीजा नहीं बना, ये तो अभी पता चलेगा। पिक्चर चालू करो बे। भाई बहन ब्याह हुआ है, भैया सब ब्याह की है। हाँ। उसको भी तो सोचना चाहिए था ना कि बहन है, वो तो नहीं सोचा कि बहन था। रुको जरा, सबर करो। रात का वक्त था, मोबाइल की रोशनी थी और पति की मौजूदगी में 40 साल की महिला 20 साल के भतीजे से शादी कर रही थी। गजब बेइज्जती। क्या हुआ बदबू, मजा आया ना? एक दिन मुहर्रम मनाना चाहिए, तीन तीन दिन क्यों मना रहे हैं? छूट दे रखा है हमने इसीलिए। अरे अरे अरे, ये तो उसके भाई जैसे ही बात कर रहा है। मोदी है तो ब्रह्मांड में, भारत के ब्रह्मांड के नक्शे पे जो है ना, भारत है। मोदी है तो हाँ, क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी इसलिए दुनिया के नक्शे पे भारत है, वरना नहीं होता। मतलब इनसे ये पूछिए, आजाद कब हुआ था भारत? गुड क्वेश्चन। क्या जी बता दीजिए, आजाद कब हुआ था? हमको नहीं पता। आजाद 1947 में हुआ था, लेकिन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, इसकी माता नहीं होना चाहिए, नहीं है। भारत आजाद नहीं होना चाहिए था। अभी मैं 1947 में हुआ था, अभी मैं नहीं है। मतलब आप कह रहे हो अभी भी गुलाम है? गुलाम है, गुलाम है। दीदी ये देखिए, एक चम्मच गोबर। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? भाई बहन मिलके हमें पागल बना देगा। भी आप साथ में तलवार रखे? हाँ, ये हम स्पेशली दिखाने के लिए रखे हैं। देखिए हम निकाल सकते हैं, ये भी हम लेके चल सकते हैं। हम स्पेशली ये दिखाने के लिए रखे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि शो ऑफ मत करो, लेकिन अब हमें जरूरत हो गया झाटके खेती का झोपड़ा काटने की। हमने भी सब्जियां काटने के लिए नहीं रख रखी है। पता है मेरी जान, झाटके झोपड़ा काटने के लिए रखे हो, लेकिन इतना बड़ा तोहफा से साबुनदानी का झोपड़ी साफ कैसे करोगे? उनको बचपन से ही ट्रेंड किया गया है। और फिर आगे बताओ। ये चीज हिंदुओं को समझने की जरूरत है। कंट्रोल। हिंदू माँ को समझने की जरूरत है, हिंदू बहन को समझने की जरूरत है, हिंदू भाइयों को समझने की जरूरत है, पिता को समझने की जरूरत है। हाँ, समझना तो चाहिए तुम्हारे भाइयों और बहनों को, माताओं पिताओं को, लेकिन इतना बड़ा तोहफा से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सिवा और कोई कर पाएगा। अब इस बात को हमारे देश के साधु और ऋषि मुनियों ने भी स्वीकार कर लिया है। रुक जा मेरी माँ, रुक जा, रुक जा। कैसे कैसे बात कर रहे हो, मैं और सुनना नहीं चाहता। झटका पर झटका, झटका पर झटका देते ही जा रहे हैं। और भी बोलना कुछ बाकी है क्या? अब उसके आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ, आप वीडियो में देख लीजिए। हाँ, अब जाके एक अच्छी बात कही हो। हम वेट करेंगे आपके उस वीडियो का, झटका झोपड़ी। अरे ये तो झाकी है, पिक्चर अभी भी बाकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। जरा गौर कीजिए महाराज का पेड़ किधर है, देखिए खाना बट खाने के डिब्बे के ऊपर क्या है, देखिए तो देख रही है, बताने के लिए जरूरत नहीं। ऐसे खाना खिला रहे भक्तों को, ऐसा खाना खिला रहे लोगों को, लेकिन बदनाम सिर्फ मुसलमान। कितना सारा बड़ा, कितना बड़ा लाइन लगा खाना तो बांट रहे, उनके शरीर पर थोड़ा ध्यान दीजिए, शरीर कितना पसीना पसीना हो रखते हैं। और ये वाला प्रसाद खाके जब इनका शरीर में एनर्जी आ जाते हैं, फिर क्या करता है देखिए, एनर्जी पंखे पर चढ़ जाएगा। ये छुपे हुए प्रसाद का एनर्जी है भाई। ओह माय गॉड, क्या सीन है बाबा। ये अंधभक्त मुसलमान के महिलाओं को लेके बहुत तरह तरह के बात करते हैं, लेकिन इनका खुद का हाल तो देखिए, पूरा स्टेज में खुलेआम में आधे पूंगे लड़की को नचा रहे, और सारे भक्त देखिए। ये है इनका समाज, लेकिन बोलेंगे सिर्फ मुसलमानों को। माँ बाप बहन बेटी भाई बहन सब मिलके इस प्रोग्राम देख रहे हैं।
ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मुसलमानों को लेकर तरह तरह का बात करने वाले, अपने मंदिर में क्या हो रहा है कोई खबर नहीं है, अंधभक्त मंदिर में कैसे अपना बिजनेस चला रहा है जरा सुनिए। बाबा धाम में भक्तों की आस्था का खुलेआम सौदा हो रहा है। अच्छा। VIP दर्शन के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। मगर क्यों? हम कहते हैं तो भक्तों को विश्वास नहीं होता। तो किसी ने 10 मिनट में दर्शन करवाने के बदले 5,000 रुपए मांगे, तो किसी ने निकास द्वार से दर्शन करवाने के नाम पर 11,000 रुपए की डिमांड की। भास्कर के खुफिया कैमरे दर्शन के नाम पर भक्तों से वसूली का खेल खेलने वाले ऐसे ही कई धंधेबाज कैद हो गए। तो रुको जरा, सबर करो। सबसे पहले हमारी मुलाकात जिस एजेंट से हुई, उसने हमें पंडा बनकर अंदर ले जाने की बात कही। उसमें हम एक एक करके ले जाएंगे, धोती पहना करके अपने साथ ले जाएंगे, पंडा बना कर के फूल ले जाएंगे। 11,000 टिका दीजिएगा ना। वाओ, 11,000 तीन लोग डन, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा होगा हम लोग संभाल लेंगे। थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरा एजेंट मिला, उसने 15 मिनट में दर्शन करवाने की बात कही। अगर हम कहें मंदिर के इस विषय में तो भक्त बुरा मान जाते हैं। काम नहीं हो पाएगा भाई। तीसरे एजेंट ने तो साफ कह दिया कि एक आदमी का 5,000 रुपए लगेगा। अच्छा। हमने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लीजिए, तो बोला बहुत रिस्क है, सेटिंग से अंदर ले जाऊंगा। निकास गेट दर्शन करा देंगे। कितना? एक आदमी का कम लगाइए। कम नहीं होगा, एक से बढ़कर एक दलाल छुपे हुए हैं मंदिर में। अरे कुछ कम लगा लीजिए। कम नहीं होगा भैया, वो एक सी चीज है, हम उसको सेटिंग से बताएंगे। आप चलेंगे अंदर? हाँ, जाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे। चौथे एजेंट ने भी हमसे 5,000 रुपए डिमांड की। पैसे कम करने के लिए ये भी तैयार नहीं हुआ। अभी यहाँ से आपको अंदर जाने 3 घंटा 3.5 घंटा लगेगा, और अगर आप वहाँ चल जाए अंदर तो हम इधर से घुसा देंगे निकासी से। कितना लेंगे? 5,000 एक आदमी का। 4,000। रुको जरा, सबर करो। एक तरफ जहां एजेंट टिकट जेब में लेकर भक्तों को अपने जाल में फंसाने के लिए घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ काउंटर पर भक्तों के लिए टिकट ही नहीं है। भीड़ का बहाना बनाकर हमें वापस लौटा दिया। सब टिकट से 3 फुट है नहीं है, जाल में 12 बजे के बाद टिकट अपना खत्म है क्या? हां, 2 घंटा रोका है ना, पूरा जाम हो गया ना। कौन रोका है? कलेक्टर साहब। हद तो तब हो गई जब काउंटर पर ही एजेंट ने हमें टिकट ऑफर किया। हम भी इस खेल को पूरी तरह समझ चुके थे कि भक्तों को लूटने के इस खेल में ऊपर से नीचे तक सभी शामिल हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जब हमने इस गोरख धंधे को लेकर मंदिर प्रबंधन से सवाल किया, तो उन्होंने हमारा कैमरा बंद करवा दिया। वाओ, ये तो बढ़िया था गुरु। वीडियो नहीं बनवा दे। प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने की, लेकिन यहाँ तो वे हमें खुद ही इस गोरख धंधे में शामिल मिले।